अभी अभी एक बयान आया हरियाणा सरकार का, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती, कोई नहीं कर सकता, और ये नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ो। 2024 के चुनाव में इस बात का एक बहुत बड़ा असर होगा। जो सत्ता, जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री सरेआम ये कहता है कि नहीं हम सुरक्षा नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ा एक गलत बयान था कि हर दंगों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई बात होती है। यह बात जांच का विषय है, जांच होती है, और जब तक जांच का परिणाम आता है कोई नया दंगा हो जाता है। उन लोगों ने हिंदुस्तान को वहां तक बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तक सीमित नहीं रहे, वो लोग जातियों तक पहुंच गए, जाट ब्राह्मण बनिया हिंदू नाई धोपी तोली, किसी भी कोर्ट में जाएं, क्या एक जाति के दो लोगों के मुकदमे चल रहे क्या? जाट जाट नहीं लड़ते क्या कोर्ट में मुकदमे नहीं है? ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं लड़ते क्या? बढ़िया बढ़िया नहीं लड़ते क्या? अब कोर्ट में जाकर देखो एक ही जाति के लोगों के कितने मुकदमे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है जो ये दंगे हो रहे हैं ये एक नू का दंगा नहीं है। इस नू के दंगे ने तो उन दंगों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, न जाने कितने दंगे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता, पॉलिटिक्स, राजनीति ही इन दंगों के पीछे है। आज फिर एक बार हमारे हिंदुस्तान में दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप सारे हिंदुस्तान में 1947 की घटना की याद दिलाया कि जहां कत्ले आम हुआ था, सरासर लोगों को अपना घर बार छोड़कर अपनी जमीन छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था, क्यों 70 साल के बाद भी ऐसी घटना हमारे देश में हो रही है। आजादी से पहले भारत में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी भारत में आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के नाम से भारत में आई थी। व्यापार करने के साथ साथ उसने भारत को समझा और देखा, एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड फूट डालो और राज करो। उस कंपनी ने हिंदू मुस्लिम सिखों में फूट डाली, डिवाइड किया और 200 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया। उसके बाद 7,35,000 लोगों का बलिदान, शहीद होने के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद होने के बाद काले अंग्रेज इस देश पर राज करने लगे, उन लोगों ने भी वही इतिहास दोहराया और हिंदुस्तान को फूट डालो और राज करो। उन लोगों ने हिंदुस्तान को वहां तक बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तक सीमित नहीं रहे, वो लोग जातियों तक पहुंच गए, जाट ब्राह्मण बनिया नाई धोपी तोली, जहां तक लाभ लेने के लिए जिस राजनेता को जितना विभाजन करना था अपना लाभ लेने के लिए, उसने उस पार्टी उस राजनेता ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को वहां तक बांट दिया। मेरा ये मानना है जो ये दंगे हो रहे हैं ये एक नू का दंगा नहीं है। इस नू के दंगे ने तो उन दंगों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, न जाने कितने दंगे हो रहे हैं। कई धार्मिक दंगे हैं, कई जातीय दंगे हैं, कई क्षेत्र को लेकर दंगे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता, पॉलिटिक्स, राजनीति ही इन दंगों के पीछे है, और दंगों का इतिहास बताता है जब जब दंगे हुए हैं
किसी राजनीतिक पार्टी ने और किसी राज्य ने जन्म लिया है। हर दंगे से राजनीति उत्पन्न हुई है। राम मनोहर लोहिया ने जब अनशन किया था, जब वहां पर कितना भारी एक आंदोलन हुआ था, उससे पैदा हुआ लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और न जाने कितने नेता पैदा हुए। उसके बाद लेटेस्ट जो नई जनरेशन को याद है, अन्ना हजारे का आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। सब बातों के पीछे एक ही मकसद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर दंगों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई बात होती है। इसको समझने में टाइम लगता है कि किस पार्टी ने, किस नेता ने किस तरह से ये दंगे हुए हैं। यह बात जांच का विषय है, जांच होती है और जब तक जांच का परिणाम आता है कोई नया दंगा हो जाता है। उसकी जांच का परिणाम आएगा उससे पहले कोई दंगा हो जाता है। किसी भी जांच का कोई परिणाम आज तक नहीं आया। परिणाम भी आएगा वो भी राजनीतिक लालच को, राजनीति की इच्छा को पूरा करने के लिए परिणाम आएगा। निसंदेह राजनीति ने हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। कोई माने या ना माने, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता के लिए दंगे होते हैं। अगर सच देखें, इस देश में कोई जाति नहीं है। आम जनमानस जातिवादी नहीं मानता। आम जनमानस धार्मिक, एक दूसरे के धर्मों की कदर करते हैं। चलो मैं जाति शुरू करता हूं। मैं किसी भी कोर्ट में जाए, क्या एक जाति के दो लोगों के मुकदमे चल रहे क्या? जाट जाट नहीं लड़ते क्या? कोर्ट में मुकदमे लड़ी है? ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं लड़ते क्या? बढ़िया बढ़िया नहीं लड़ते क्या? अब कोर्ट में जाकर देखो, एक ही जाति के लोगों के कितने मुकदमे चल रहे हैं। एक ही जाति के लोग सत्ता पाने के लिए अलग अलग दलों में जाते हैं। अगर जातिवादी मानते हो तो एक पार्टी का एक दल हो, नहीं। जनता और आम जनमानस इन बातों से बहुत अनभिज्ञ दूर रहते हैं। सिर्फ कुछ सत्ता के बीमार लोग, 37वीं जाति के लोग आम जनता को बढ़ाते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं और किस न किसी लालच में फंसा कर उनका दुरुपयोग करके इस तरह के दंगे आयोजित किए जाते हैं कि अनपढ़ और अशिक्षित लोग अधिकतर इन दंगों में भाग लेते हैं। वो छोटे से लालच में आकर, छोटी सी पहकावे में आकर, बिना कुछ सोचे हुए आक्रोशित होकर, बिना परिणाम की परवाह किए वो दंगों में शामिल होते हैं। लेकिन 70 साल के बाद भी मेरा देश अशिक्षित है, यह सभी दलों के लिए डूब के मरने की बात है। राजनेता नहीं चाहते कि हमारी जनता शिक्षित हो। अगर जनता शिक्षित होगी तो इस तरह के दंगे ही नहीं होंगे। 75 साल के बाद भी हम मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 चीज आज भी हिंदुस्तान की सरकारें दे नहीं पाई, क्योंकि इन सरकारों ने फिजूल खर्ची की है। सरकार के चुने हुए नुमाइंदे इस देश की जनता को लूट रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाकर जनता को खोखला कर दिया। और चुने हुए सांसद, विधायक, एमएलए इस देश के जमाई बन गए। पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को आज भी भत्ते, जो 40 साल तक नौकरी करके आए, जवानी को त्याग करके आए, उनकी पेंशन भी बंद है। 5 बार कोई विधायक रहा तो उसको 5 पेंशन मिलेंगी, क्यों मिलेंगी? सरकारें फिजूल खर्ची बंद नहीं करती, लोगों पे रोजगार नहीं है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, नेताओं के बच्चे खूब सरकार की कमाई पर बाधा समझा पड़ते हैं।
इलाज भी नहीं है, हॉस्पिटल प्राइवेट हो चुके हैं। अब सरकार को जागना होगा, ये दंगे देश को तोड़ देंगे। अब देश अलग राह पर चल चुका है, देश खंडों में बंटने वाला है। अगर सरकार नहीं सोची और सरकार ने फिजूल खर्ची बंद नहीं करी और चुने गए प्रतिनिधियों पर अंकुश नहीं लगाया तो देश ज्यादा समय इस स्थिति में रहने वाला नहीं है। पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को आज भी भत्ते, जो 40 साल तक नौकरी करके आए, जवानी को त्याग करके आए, उनकी पेंशन भी बंद है। 5 बार कोई विधायक रहा तो उसको 5 पेंशन मिलेंगी, क्यों मिलेंगी? सरकारें फिजूल खर्ची बंद नहीं करती, लोगों पे रोजगार नहीं है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, नेताओं के बच्चे खूब सरकार की कमाई पर बाधा समझा पड़ते हैं, इलाज भी नहीं है, हॉस्पिटल प्राइवेट हो चुके हैं। अब सरकार को जागना होगा, ये दंगे देश को तोड़ देंगे। अब देश अलग राह पर चल चुका है, देश खंडों में बंटने वाला है। अगर सरकार नहीं सोची और सरकार ने फिजूल खर्ची बंद नहीं करी और चुने गए प्रतिनिधियों पर अंकुश नहीं लगाया तो देश ज्यादा समय इस स्थिति में रहने वाला नहीं है। साथियों, इन चर्चाओं का एक ही उद्देश्य है, इन घटनाओं पर सोचने का एक ही उद्देश्य है, ताकि रिजल्ट पर निकले और कोई परिणाम हो तो दुनिया शांति से और सुख से रह सके। अब बात उठी है तो आगे बढ़ते हैं। अभी यह बताया, बार बार बात आती राजनीति पर, क्योंकि इस देश की हर चीज चलती ही राजनीति से है, राजनेता ही स्कीमें बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, हर चीज विकास की बात करते हैं, सुरक्षा की। ये बताओ, अभी अभी एक बयान आया हरियाणा सरकार का, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती, कोई नहीं कर सकता, और ये नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ो। ये बात बहुत ही 2024 के चुनाव में इस बात का एक बहुत बड़ा असर होगा इस पार्टी पर, इन ध्यान देने वाले लोगों पर, कि जो सत्ता, जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री सरेआम ये कहता है कि नहीं हम सुरक्षा नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ा एक गलत बयान था। हरियाणा के साथ में ही एक मुख्यमंत्री है जिसने दुनिया में इतिहास रच दिया है इस तरह के दंगे, जो दुनिया में सबसे फालतू होते थे वहां पर कोई दंगा नहीं होता, और जहां कोई दंगे नहीं होते थे वहां दंगों की भरमार है। निसंदेह युवाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर हर उम्र के लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी है,